भोपाल में 30 जून 2024 को देश भर में आज 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय अधिनियम लागू हो चुका है। नए कानून के लागू होने को लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन तीनों कानून का उद्देश्य विभिन्न अपराधों उनकी सजाओं को परिभाषित कर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। नए कानून लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली आईपीसी के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए औपनिवेशिक कानून से मुक्त हो चुकी है। इस संबंध में रविवार शाम को पुलिस मुख्यालय भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कानून दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित है। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम पीएसए लागू हो जाए। नए कानूनों के लागू होने को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित कर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। नए कानून लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली आईपीसी के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति हो जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी जिले इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और प्रशिक्षित हैं। देश भर में 1 जुलाई से जो नए कानून लागू होने वाले हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारी कर ली है एवं पुलिस थाना क्षेत्रों और जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर नए कानूनों का क्रियान्वयन कल किया जाए। जिले के कार्यक्रम में वहां के पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य नागरिकों सहित जिले के बुद्धिजीवी लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। कुछ स्थानों पर उत्सव के माहौल के साथ ढोल नगाड़े की भी के द्वारा भी स्वागत की तैयारी की गई। थाना क्षेत्र में किसी भी उपयुक्त जगह पर कार्यक्रम होगा, इसमें सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, महिलाओं, बुजुर्गों आदि सभी को शामिल करने की व्यवस्था है।